राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के गांधी परिवार पर सरनेम हड़पने का आरोप लगाया है। रविवार 10 सितंबर को गुवाहाटी स्थित भाजपा मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान हेमंता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से अपना सरनेम छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा, सारे गांधी कैसे बन गए? मैंने बहुत दिन रिसर्च किया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस फार्मूले से गांधी है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा इंडिया नाम से डर गई है। कल कोई डकैत अपना नाम गांधी रख लेगा तो क्या वो साधु बन जाएगा? हेमंता के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जिस तरह आपका नाम आपके पिता कैलाश नाथ शर्मा से ही पड़ा है, वैसे ही राजीव गांधी का अपने पिता फिरोज गांधी से पड़ा है। भाजपा महिला मोर्चा कार्यक्रम के दौरान हेमंता ने कहा, जब वोट लेने का टाइम होता है तब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करती है। चुनाव खत्म हो गया तो उन्होंने अपना नाम इंडिया कर लिया। आप लोग इंडिया कैसे हैं? उन्होंने कहा, गांधी जी ने देश को आजाद कराया और आप लोगों ने गांधी टाइटल हड़प लिया। भारत का पहला स्कैम टाइटल से शुरू हुआ। आप लोग डुप्लीकेट गांधी हैं। टाइटल की तरह कांग्रेस ने हमारे देश का नाम हड़प कर इंडिया बन गया। हेमंत बिस्वा ने आगे कहा, कांग्रेस ने इंडिया का गौरव कभी नहीं बढ़ाया। कांग्रेस ने देश के नाम पर परिवारवाद बढ़ाने और देश को तोड़ने का काम किया। उन्हें इंडिया बोलने का अधिकार नहीं है। भारत का नाम तो दूर दूर तक मत लेना। असम सीएम ने दावा किया कि भारत में फिर से मोदी सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस को किसी दूसरे देश या ग्रह में अपनी सरकार बनाने की नसीहत दी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।